अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय हिंद जय महाराष्ट्र। नमस्ते दोस्तों, हक मोइन या मोइन, तो कैसे हो आप सब। तो आज है दोस्तों आनंद चतुर्थी और आज सब गणपति अप्पा जाने वाले हैं। तो अपना मालवली माड़ाचा राजा चा भी विसर्जन है आज, तो आप पूरा देखिए, पूरा शेयर करूँगा आपके साथ। दोस्तों पहली बार हमारे साथ 18 साल में पहली बार ऐसा हुआ है क्या, 17 अगस्त को गणपति अप्पा आए थे और 17 सितंबर को जा रहे हैं, यानी कि पूरा एक महीना हमारे साथ थे। तो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन क्या है, उनको जाना ही है, फिर अगले साल आएंगे वो। तो आप पूरा विसर्जन एंड तक के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्यार दीजिए।
दोस्तों, ये गणेश नगर का एरिया है और बज रहे हैं अभी 12:15। और ये मतलब गणेश नगर मतलब समझ लो मतलब हमारे हिंदू भाइयों का ही पूरा एरिया है। और यहाँ पे अभी मतलब एक भी गणपति अप्पा दिख रहे नहीं है। और अभी थोड़ी देर के बाद मैं अभी यहाँ से रिटर्न मालवनी की तरफ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा मालवनी के अंदर छोटा लालबाग जिसको कहते हैं। अब यहाँ पर एक भी मूर्ति नहीं दिख रही है और लालबाग छोटा जिसको कहते हैं वहाँ पर अभी हज़ारों मूर्ति है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। और यूं ही हमारी मालवनी को बदनाम करते हैं लोग, तो मैं चलो लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे आपको एक भी मूर्ति नहीं दिखाई दे रही है और अब मैं आपको लेके चलता हूँ मालवनी की तरफ। और देखिए आप, ये है हमारी मालवनी। उनके लिए ये मैसेज है, आज आप ये देख रहे हो कल जरूर देखोगे। प्यारी सी मालवनी है, आप देख सकते हो मालवनी चा राजा और मालवनी चा युवराज दोनों यहाँ पर है। और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है अभी, तो मैं सोच रहा हूँ गली मार के निकलूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाना है। कुछ सड़े लोग बोलते हैं ना, इसके लिए मैं आपके लिए खाली जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये है मालवनी का महाराजा, ये मालवनी चा राजा। दोस्तों 8 नंबर पे भी हमारा गणपति पहुंचा है, मालवनी माड़ा सा राजा।
जी श्री गणेश देवांची सुंदर अशी प्रतिमा श्री मालवणी मालवणी महाराजा राजा यांचे हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत। 35 फुटाची श्रींची प्रतिमा मालवणी महाराजा राजा सुरक्षा हेल्थ एंड एजुकेशन की तरफ से आप सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत। प्रीतम भाई गाना जोर से बजाओ, अपने को मालवाड़ का राजा को मालवणी का महाराजा को अपने को बजाने का परमिशन दिया गया। Thank you.
पे मालवनी में हमने आपको दिखाया यहाँ पे एकता कैसी है और किस तरीके से एक नंबर पे हमारे पापा का वेलकम हुआ, स्वागत हुआ और आपने सब देखा। और अभी जो मारने की जो चढ़ान है जो वो हम लोग चढ़ चुके हैं फाइनली, आप देख रहे हो मेरे पीछे। और अभी बज रहे हैं 3:30। क्या बोले किरण भाई, कुछ बोलना चाहेंगे? अपन लोग का डेस्टिनेशन पास हो चुका है, बस खाली एक चीज है वायर, अभी उधर से बोल निकल गए तो पास है। बाकी एक नंबर का कैसा मजा आया? एक नंबर। अभी सब बाहर के लोग आके अपनी मालवनी को गंदा करते हैं, अपन लोगों ने क्या मैसेज दिए? एकता का मैसेज दिए क्या? नहीं, हमारी मालवनी कितनी अच्छी है, मालवनी का नाम लोग बदनाम करते हैं, बदनाम करते ना मालवनी का नाम, ये रियल मालवनी है। अभी हम कल भी आपको दिखाएंगे जब जुलूस निकलेगा, आज पूरा पप्पा का मालवनी भरा हुआ था, कल पूरा जुलूस से मालवनी भरा होगा। तो अभी कंटिन्यू बने रहिए, हम आगे जाएंगे और कैसा पहुंचेंगे मारवे आपको सब दिखाएंगे। तो अंकुश भाई क्या बोल रहे हैं? अंकुश भाई, भाई मैं यही बोलना चाहता हूँ, अपने पप्पा का इतना लास्ट में एंट्री हुआ, बाकी सबसे फाड़ू एंट्री हुआ, सब खुश हो गए भाई। और बहुत जन वेट कर रहे थे, बराबर 3:15 बजे हम लोग एक नंबर पे आए और एक नंबर पे आपने पूरा मंजर देखा, वो क्या मंजर था पूरे, मतलब मैं कुछ, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है अंकुश भाई। हर एक मजहब पे नारे लगे, हर एक जन ने एंजॉय किया है, यही एकता हमारे को दिखाना है मालवनी के अंदर, खास करके हमारे मालवनी माड़ा का राजा का, जो हमारा एक दोस्ती यारी भाईचारा है और सब कुछ बोल सकते हो। देखो आज हम लोग यहाँ पे भी आ गए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम लोग को, हम लोग के पीछे बहुत बुराई कर रहे थे, ऐसा है वैसा है क्या है भाई, जाने तो। देखो जो जा रहा है खुश रहो, इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हमेशा अपने से अगर किसी ने अगर इमरान भाई क्या बोलना चाहेंगे आज जो अपन मंजर अभी एक नंबर पे अभी हुआ है, अपने नंबर पे आए ना भाई, एक नंबर पे अभी जो अपना मंजर अपने देखे, क्या एक मैसेज दिए है हमने हमारी मालवनी माड़ा के राजा के तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह, मीम और नून ये दोनों की एक एकता दिखाई दी है, हिंदू मुस्लिम भाई की एक एकता दिखाई दी है। ये मुस्तकीम भाई और ये अंकुश भाई, इन लोगों ने ऐसा मंजर दिखाया ना पूरी मालवनी को, ये सब अपने माड़ा के राजे का, जो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नहीं दिखाया पूरी मालवनी में। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे को ऐसे भाई मिले, ऐसे भाई मिले कि इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम को एक करके दिखाए। कहीं भी दंगा होता है, कुछ भी होता है, हर जगह होता है, कुछ नहीं होता, मालवनी में सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लग तो गई है आज 18 तारीख, लेकिन 17 तारीख को बहुत खास दिन था क्योंकि 18 साल में पहली बार जिंदगी में गणपति बप्पा हम लोग के साथ में पूरे एक महीने तक के थे। और ये एक महीने के बाद अभी आज सुबह में बहुत अलग मंजर था हम लोग के लिए, और एक महीना एक दिन मतलब पूरे 32 दिन हो गए, क्योंकि अगस्त का महीना 31 का था, तो 32 दिन पूरे बप्पा हमारे साथ में थे। हम लोग गए अगस्त की 17 तारीख को विपुल दादा के यहाँ से मूर्ति लिए थे और आज हमारे मंडप में से हम लोग 17 तारीख को बाहर निकाले। तो अंकुश भाई क्या जरा सा भी त्रास नहीं दिया, मतलब जो लोग बोल रहे थे ना इतनी बड़ी मूर्ति लाए कैसा करेंगे, तो भाई ये तुम लोग है ना खुद ही ये चीज सोचो कि मलाड मालवनी का नाम हो रहा है, हमारे अकेले माड़ा का राजा का नाम नहीं हो रहा है। मुंबई में सब मंडल अपन एक जैसे ही है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, बस फर्क इतना ही है हम लोग ये चाहते हैं कि भाई कुछ अच्छा हो मालवनी में, ताकि बाहर से लोग जो लोग आए उनको भी देखने अच्छा मूर्ति, बड़ा बड़ा मूर्ति मिले, सिर्फ टाउन साइड में बड़ा मूर्ति नहीं बैठता, अपने मालवनी मलाड में भी आज छोटा लालबाग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ है, और हम लोग वही करना चाहते हैं कि मलाड का नाम करना चाहते हैं। इसके लिए दोस्तों सब आप लोग यही है कि एक दूसरे को सपोर्ट करो और उन लोग को आगे लेके जाओ, किसी के लिए गलत मत बोलो, कोई मंडल छोटा नहीं है, सब मंडल बड़े, मूर्ति बड़ी लाने से कुछ नहीं होता है, बस मंडल के अंदर एक ही होनी चाहिए जो हमारे मंडल के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शशांक भाई, शशांक भाई हमसे खजिंदा काय तरी बोला तुम्हें भाई, आप कभी हमारे मालवनी में आके देखिए, मालवनी माड़ा का राजा, आपको जो यूनिटी दिखेगी ना, नहीं काय तरी बोला तुम्हें, कसा वाटते अपनी मूर्ति इथे चढ़ान चढ़ून अपन आता विश्राम घेतला आहे, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को,
कौन कौन बोलते होते कैसे कैसे कमेंट डाले होते बोलने वाले मुझ तो बोलते रहते ना सामने आके बोलने की हिम्मत होगी तब देखेंगे हम लोग तो अभी बस गए गए बाकी तो सब अच्छे से हो रहा है लोग बहुत कुछ बातें कर रहे हैं हमारे बारे में तो हम चाहते प्लीज सामने आ जाओ और बातें करो पीछे हम लोग जवाब देंगे सामने पीछे तो कुत्ते के पीछे क्या गाई हो पीछे तो कुत्ते भोंकते हैं गाली तो सब पीछे देते रहते हैं सामने तो सब भाई बन जाते हैं तो सामने आके बोलो दोस्तों नहीं पीछे से बहुत कुछ बोलते हैं पर जब मुंह पे आते हैं तो बोले अरे भाई अरे भाई तो भाई अरे भाई तो कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से अब 4 बज चुके हैं और देखते हैं क्या होगा आगे बाकी तो सब है ऊपर वाले का करम चलते तो फाइनली सुबह से इंतजार कर रहे थे और अब जाके बारिश आ चुकी है और अब बज रहे हैं 4:30 तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने होल्ड लिया है कहाँ पहुँचे अंकुश भाई ये मालवनी चर्च अपना अजीत दादा के शाखे के इधर है ये हमारी गीता भंडारी मैडम ऑफिस है यहाँ पे मैडम ने सत्कार के लिए बनाए थे यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया है आगे पूरा जाम है आपको दिख रही है मूर्ति है पूरी यहाँ तक के और अभी बहुत थक गए हैं तो हमने मूर्ति को यहाँ पे खड़ी कर दी है पप्पा खड़े हैं यहाँ पे और यहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया गया है माड़ा के राजा की तरफ से मालवनी माड़ा चा राजा देख सकते हो आप हर 12वें दिन पे भी भंडारा है 11वां भंडारा तो दे दिया था मैंने वड़ा पाव का भंडारा था 11वां और 12वां भंडारा चालू है और देख सकते हो आप कितना बज रहा है अभी 6 बजने वाला है 6 आमचे उपशाखा प्रमुख श्री अंकुश भाटकर साहेब इथे एक मंडळाचं नाव काय रे भाई सुटेल काय हाज दोषीचा नाही 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 ही दोषी तुटायची नाही ओ सगळ्यांचं काम झालं इथे सगळे कोम झाले आमचे सगळे भावा ए बोल 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 35 पॉइंट वाले के
कुछ दो तो यूनिटी तो दिखाओ जरा। तो ये हमारे भाई है अंकित भाई। अंकित भाई कहाँ है, आपकी मूर्ति कहाँ है? हमारी मूर्ति अभी आगे है, हम 4 बजे से रात के रुके हैं, अभी तक हम वेट कर रहे हैं, अभी वेटिंग लिस्ट में है। अभी कितना बज रहा है? अभी हो गए 9 बज गए। 9 बज गए, कभी विसर्जन होएगा? विसर्जन का तो है अभी, कुछ विसर्जन का तो पता नहीं है, बट फिर भी हमने 1-1.5 पकड़ के चला है। और बाकी आप इधर दिखा दो जरा, इनको क्या टाइम लगेगा? इनको तो सुबह है, मेरे को लगता कल की रिटर्न। और अपने को? अपने लोग को कल रात। चलो देखते कैसा हो रहा। बाप रे बाप, क्या ये भाई, ये मूर्ति तो भाई, ये मूर्ति तो जब ना कर ले ले साथ में आईफोन, मेरा वीडियो है, फोटो हो तो कर ब्लॉग में डालूंगा भाई। मैं नाम बता दो अपने मंडल का, यंग ट्रेंड ग्रुप, चेक कर देना उनको, ब्लॉग YouTube पे आएगा भाई। फाइनली मूर्ति पास हो गई है, कट टू कट एकदम, जिसका बहुत डर था हम लोग को, पास हो गई है, कट टू कट पास हो गई है। थोड़ा नाचो ना बे, तो दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और आप देख रहे हो ये शेर, शेर लोग है सब, शेरों इधर भी दो बब्बर शेर और ये सब शेर, और ये हमारे पप्पा, और इनको लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन बच्चों ने ही दिखा दिया कि कोई बड़े से बड़े तवंगरों का भी काम नहीं है ये। तो जो सब टास्क थे वो सब पूरे हो चुके हैं और बस रवानगी हो रही है, अभी पप्पा पहुंच चुके हैं मारवे और अभी इतनी मूर्तियाँ आपको दिख रही है, तो शायद 1-2 बजे तक के हो जाएगी, तो देखते हैं कैसा क्या है, चलते हैं आपको दिखाएंगे। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति महाराज राजाचा, जय सो ईशान कोराची, महाराज राजाची, बोल 35 फुट वाले के जय, बोल 35 फुट वाले के जय, हर हर बाप्पा तुम्हारा। तो फाइनली दोस्तों धक्के पे मूर्ति पहुंच चुकी है और भर्ती जरा भी नहीं है, और 18 तारीख के 6:30 बज रहे हैं और सिर्फ पूरे मारवे में ये 2 ही मूर्ति विसर्जन करनी बाकी है, दूसरा दिन लग के तीसरा दिन लगने वाला है, तो देखते हैं अभी कैसा ये मूर्ति विसर्जन होती है। सब लड़के बहुत थक चुके हैं, तो सुशील फाइनली मूर्ति अपनी पूरे 24 घंटे के बाद धक्के पे आ चुकी है, क्या बोल रहा है तू? आज के दिन अगर अपन देखेंगे तो आज पूरा बप्पा ने अपने साथ 32 दिन पूरा रह चुके अपने साथ, ऐसा पहली बार हुआ रहेगा पूरे अखे मुंबई में कि 32 दिन किसी के साथ पूरे बप्पा रहे। तो भाई अपने माड़ा का राजा, इसका ऐसा है ही सीन कि बप्पा ऐसे है ना भाई, इसके आजू बाजू को लग रहे ही नहीं है भाई, इसके मर्जी से ही जाएगा। हाँ इसके मर्जी से ही जाएंगे भाई, अभी देख रहे हैं दोस्तों भर्ती जैसी आएगी वो अच्छे से विसर्जन हो जाएगा, और कारण यही था कि अब मूर्तियाँ में फिर अच्छे से विसर्जन करना था, इसके लिए हम लोग बहुत आराम से रुके हुए, तो अभी भर्ती का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों रात के 10 बज रहे और मालवणी माड़ा चा राजा चा विसर्जन पूरे महाराष्ट्र में, जितनी मूर्ति बची है ना पूर्ण महाराष्ट्र मध्ये शिल्लक एकच मूर्ति राहिली आहे मालवणी माड़ा चा राजा। 38 तास झाले आम्हाला मंडपातून बाहेर येऊन, आतापर्यंत मूर्ति विसर्जन नाही झाली आहे, कारण हे काय आम्ही एकदम सावकाश विसर्जन करणार, आम्हाला काय नाही, भरती येणार आता 1-1.5 तास अजून आम्ही थांबणार, त्याच्यानंतर विसर्जन करणार आणि आपला बाप्पा जाणार, तर तुम्ही कंटिन्यू बघा।
तो दोस्तों पूरे 27 घंटे के बाद अब जस्ट विसर्जन की घड़ी आ चुकी है, और जिसने हमको इतना सपोर्ट किया सभी को हम बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। और बस अब धरती चढ़ गई है, विसर्जन का वक्त आ गया है, तो तहे दिल से सबका शुक्रिया।